बताएं जी, ऑडियंस को शामिल करते हैं, कौन पूछना चाहते हैं और किससे सवाल पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल हामिद रंगीला साहब से है कि वो ईद किस तरह मनाते हैं अपने घर में। मैं उसे तरह ही सारे ईद मनाऊंगा। अरे ने पहला सवाल इन्हें क्यों कीते हैं हामिद साहब? ओदियां नासा भी ओहो जी। आप कहीं इनके इलाके से तो नहीं है? बहुत बड़े फैन है मैडम इनके हम। अच्छा, इन्हें सवाल भी इंजी कीते कि मेरे सवाल हामिद रंगीला से? सवाल तो बाद एक गाना भी करेगा। कोई गाना माना गाएंगे, डेडिकेट करेंगे इनको कुछ? इतने प्यारे नहीं लग रहे ये। आए, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ ते मल्ले जो जिन नसरीन कहंदे। वैसे करते क्या है आप? मैं जॉब करता हूँ रेस्टोरेंट्स में। इंशाल्लाह हम तो राती उठ ही मिलेंगे। अरे ये नाच नाच के खाना सर्व कर रहे हैं नगर दे। ये जब पता रोटी ते सुर्खी ने वेलकम लिख दे उन्होंने। उम्मीद है जवाब से आपकी तसल्ली हो गई होगी। अगला सवाल कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन जो है वो सर नासिर चिनियोटी साहब से है। अच्छा सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे शो में आने के मकसद में एक ये भी था कि मैं आपको लाइव देख सकूँ। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप मंडी में बकरा लेने के लिए गए हों और वहाँ से बकरी ले आए हों? मेरे ना कारीगर लोग जाते हैं, वो चेक कर लेते हैं बकरी या बकरा है। लेकिन यह होंगे कि जो तुम लैन जाओ ना, वाकई इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत लोगों ने धोखे हुए। खान साहब भी बकरा लैन गया, उन्होंने कहना बहुत माड़ा बकरा है, उन्हें रस्सी खोली तो बकरे ने ढुड मारी, कहना काफी तगड़ा है। खान साहब ने बकरा खरीद लिया और उस बाद बकरे ने इनकार करता कि मैं ये नहीं जाना। क्यों वजह? उन्हें कहा मेरे ना अच्छा वोकल तो अपना है। वो कैसे सरदार साहब? बकरे को खलो के कही जरे चले फिर ले चलू मैं ले चलू तुम्हें। तो बकरे ने जवाब में क्या कहा? बकरे ने खड़े होकर बकायदा ने बहस की थी। तेरा अपना वोकल बहुत अच्छा, मैंने को लेके चला चल। सब तुम भी बकरा लेने गए हो? अभी मैं बकरा लेने जाता हूँ। किस तरह खरीदते हो पता लगता है भाई किस तरह का है? सर पहले बकरे दे मैं मुंह खोल के देखना है चौगा है या खीरा है। इन्हें बकरे का मुंह खोल के क्या अच्छा चौगा है या दोंदा है? उन्हें तो मुंह खोल के देखा कहना हराम है। और मिर्जा साहब ने इतना बुढ़ा बकरा ज़िबा कीता है ताजे तुम ही। ओ शजर मेरे तो भी अच्छा भी ओ ओदा गोश्त खा लिया हुन सोंदा ते दी ख्वाब च धौले आंडे ते फिर बालों को धौले बोलते हैं। धौले धौले पंजाबी धौले। खान साहब ने साडी भाभी जदों उच्चा बोलदे ना खान साहब एना तौले दी कोई इज्जत कर लिया। आप नहीं डाये करते बाल सरदार? नहीं नहीं ये नहीं करते। इन्हां दी अजे उम्र 28 है ते कमर 26 है। आप किसी और शो में बैठे हुए हैं? इन्हों मैं गया भी सी लाले दी मास्कट ना पा। मैं भी कहन दिया फटाफट उन्होंने मैनू पेश क्यों कर दी। अच्छा उन्हें तो तुम भी कोई तूफान नहीं मचाते भाई? ऑडियंस हमारी, आप लोग सवाल ही किए जा रहे हैं हमसे, कोई परफॉर्मेंस करके दिखाए हमें, कोई गाना, गाना शाना शाना। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? वकास अली नाम है मेरा और बेसिकली मंडी बहावलदीन से बिलोंग करता हूँ। भाई अल्लाह का वास्ता ही, मंडी बहावलदीन तो डंकी ला के लाहौर तो नहीं आया। मैं गाना सुनाना चाहता हूँ मैडम नूर जहां का। वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आउंदा, जाके जिवें जवानी। वगदी नदी दा पानी। कालीन ले लो, कालीन ले लो, कालीन भैया के खास से बने। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मेरा शो चल रहा है। मैं बिल गेट्स का सेक्रेटरी हूँ, कंप्यूटर बेचने आया हूँ, कालीन बेचता है। सारी दिहाड़ी 20,000 का कालीन लेके फिरते, जिथे थकते 700 का देख। हाँ साहब इतने शो चल रहा है, ते किन्ने का कालीन है? भाई जाना ये बड़ा खास कालीन है। तो ये कालीन आपके हाथ कैसे लगा? भाई ये तोशाखाना से मैंने खरीदा था। तोशाखाना से चीजें खरीदते हैं आप? अच्छा बड़ी बात है शाबाश, जो तोशाखाना की चीजें बेचते उससे कोई सवाल नहीं करते, जो खरीदते उससे इतने सवाल। हमने नहीं खरीदे, किसी ने खरीदा था हमने उससे खरीदे। फिर तो आपके पास घड़ियां भी होंगी? घड़ी क्या सवाल पूछ लिया, घड़ी मेरा दिल था। अच्छा। लेकिन एक ही घड़ी था,
फिर उस आदमी ने जब वो घड़ी बेचा उसको चैन का घड़ी मिला ही नहीं। फिर आप ज्यादा एंकर पर्सन बनने की कोशिश ना करो, चलो जाओ यहाँ से, शो करना है मुझे। वीना जी आप अगर ये खरीदेगा नहीं बाद में पछताएगा। चलो आपके लिए वैसे 2 लाख है, आपके लिए 1,95,000। 8,000 वे कैसे बात करते, कालीन को हाथ लगा के तू देखो कितने खसूसियात है। चलो 5,000। अभी मेरे को लगता है आपको पैनल अमार को रेट देना पड़ेगा, ठीक है? ना तुम्हारा ना हमारा, 20 का करते गुजारा 1.5 लाख। सेगमेंट तो मेरा खराब कर दिया इन्होंने, किसी ने खरीदना है आपने से? हाँ साहब 3600 का देना तो ठीक है। 2600? इतने ज्यादा पैसे, 500। चलो 2600 आप ले लो। नहीं मैं नहीं लेना, ये मेरा गा खराब किया आपने। आप चलो पैनल दे दो अभी। क्या 500 है मेरे पास? 500? चलो ठीक है, 1500 आपका सामान मेरे पास है, अमानत ले लो ना, फिर मैं 500 लेता हूँ।